नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। असम और मेघालय की सरकारों ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को दूर करने के लिए मंगलवार को यहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देश में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 1259 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 35 लोगों की जान भी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर अब 5,21,070 हो गया है। साथ ही अब तक कोरोना के कुल 4,30,21,982 मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में महज 18 सीटें जीतकर सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस में जल्द ही बदलाव का दौर शुरू होने वाला है। सीएम रहे चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हार गए थे, जबकि अपने ही बयानों से चर्चित रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को खुद अमृतसर पूर्व सीट से हार का सामना करना पड़ा। नतीजों के बाद सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफे की मांग की थी। सिद्धू ने एक लाइन में ये लिखकर इस्तीफा दिया था कि जैसे सोनिया गांधी चाहती है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव के अध्याय का ही पटाक्षेप करने वाली है, जिसका खामियाजा हाल के तौर पर झेलना पड़ा था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दुर्घटनावश चली एक भारतीय मिसाइल के पाकिस्तानी सीमा में गिरने की घटना की पृष्ठभूमि में मंगलवार को लोकसभा में कहा कि परमाणु मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ संस्थागत बातचीत होनी चाहिए। पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य तिवारी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल 2022 से वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग के नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए FIR और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में घोषणा की कि आगामी 1 अप्रैल से निजी बस मालवाहक वाहन के लिए सख्त लेन नियम का लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी मंगलवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपनी पहले से स्केड्यूल पेशी में नहीं आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के 34 वर्षीय भतीजे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मामले के जांच अधिकारी को उनकी गैर उपस्थिति के लिए कुछ व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए एक ईमेल भेजा था। बिहार और झारखंड राज्य में मोबाइल सेवाओं पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। कुछ कथित यूनियनों ने बिहार और झारखंड क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने की धमकी दी है। इसको लेकर भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की एक शीर्ष प्रतिनिधि संस्थान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को बिहार और झारखंड की सरकारों से स्वघोषित यूनियनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को पक्ष और विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में साथ खड़ा नजर आया है और सतीश महाना का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का आभार जताया और इसे लोकतंत्र की मर्यादा को मजबूत करने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में आई करवाहट को लेकर कहा है कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुनने के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सभी सदस्यों और नेता विपक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सत्ता और विपक्ष ने सर्वसम्मति से सतीश महाना को अध्यक्ष चुना है। सतीश महाना के स्पीकर के रूप में चुनाव के बाद जहां नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष का आभार जताते देखे गए और महाना की जमकर तारीफ करते देखे गए, नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ की बातों से खुद को सहमत बताते हुए उनकी सराहना की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष को उनके संरक्षण की जरूरत होगी। इस दौरान सदन में कई बार हंसी ठहाके भी गूंजे। योगी के मंत्रियों को सोमवार की शाम विभागों को बंटवारा कर दिया गया है। सीएम योगी ने अपने पास गृह सूचना राजस्व समेत 34 विभागों को रखा है। दोबारा डिप्टी सीएम बनने वाले केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग की जगह ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी इस बार मिली है। मंगलवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य की पहली प्रतिक्रिया आई। केशव ने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान का अवसर मिला है। मेरे मन में बहुत कुछ है। विभाग में लोगों के साथ चर्चा करूंगा और हमारी योजनाओं को समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ग्रेटर नोएडा में 4 बड़ी कंपनियों ने निवेश के लिए जमीन खरीदी है। इनमें रोबोट बनाने वाली कंपनी भी शामिल है। इन चारों में से एक कंपनी DMIC IITGNL की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में और शेष 3 ग्रेटर नोएडा में अपनी इकाई स्थापित करेगी। इन कंपनियों से करीब 1600 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और करीब 11,250 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे प्राधिकरण को 90 दिनों में बतौर जमीन की लागत के रूप में करीब 160 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी ए सी एफ आर एफ ओ मुख्य परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी किए हुए हैं। यूपीपीएससी की इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी की असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की यह परीक्षा 3 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना में युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा है कि युवा सेना में भर्ती होने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भर्ती केंद्रों पर भर्तियां नहीं होने के कारण तैयारी करने वाले युवा निराश हो रहे हैं, इसलिए उनकी खुशी के लिए तत्काल भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए। लखनऊ के तालकटोरा कोतवाली में अधिवक्ता ने धर्मगुरु के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी भी पेशे से वकील है। ठाकुरगंज फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोहम्मद नकवी के मुताबिक सज्जादियो कॉलोनी निवासी शकील जैदी ने अपने व्हाट्सएप नंबर से धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की। नकवी के अनुसार उन्होंने शकील जैदी की टिप्पणी पर आपत्तिजनक जताते हुए उन्हें पोस्ट हटाने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक नवनिर्वाचित विधायकों ने राज्य की 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में मंगलवार को शपथ ग्रहण किया। इससे एक दिन पहले सोमवार को भी लगभग 350 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया था। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यों वाली विधानसभा में दूसरे दिन मंगलवार को भी विधायकों के शपथ ग्रहण करने का सिलसिला जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा अध्यक्ष की पीठ से मंगलवार को 40 से अधिक विधायकों को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। मार्च में ही गर्मी ने मई और जून का एहसास करा दिया है। पिछले 10 सालों में मार्च तीसरी बार इतना गर्म रहा। सोमवार को पारा इस गर्मी में पहली दफा 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। पिछले 10 वर्षों में 2017 में मार्च सबसे गर्म रहा था। इस मार्च में 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया था। योगी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का पूर्ण जोर विरोध किया था। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि राज्य में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया, ये कहना गलत है। बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को आज 34 दिन हो गए हैं। दोनों देशों के बीच अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। इसी बीच यूक्रेन और रूस मंगलवार को तुर्की के शहर इस्तांबुल में शांति वार्ता के अगले दौरे की बातचीत करते देखे जाएंगे। बताया जा रहा है कि स्थानीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे दोनों देश के बीच वार्ता होगी। साथ ही यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से भी मिलेंगे। श्रम कानून में बदलाव और केंद्र के निजीकरण के फैसले के विरोध में ट्रेड यूनियनों की 2 सदस्यीय देशव्यापी हड़ताल भारत बंद का आज दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के 5.21 लाख लोगों को उनका घर सौंप दिया है। गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत उन्होंने लोगों के अपना घर होने का वर्षों पुराना सपना पूरा किया है। पीएम ग्रामीण आवासीय योजना के तहत इन लोगों को आज पीएम आवासीय योजना ग्रामीण के तहत ही नया घर मिल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। वहीं इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम और दूसरे मंत्री भी वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। गोवा में नई सरकार के गठन के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक को बदल दिया गया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को गोवा पुलिस की कप्तान सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने जसपाल सिंह को गोवा का नया डीजीपी नियुक्त किया है। जसपाल सिंह अभी दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर है। वो अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरीज कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार वायु स्क्वाड्रन P-8I विमान 316 की कमिश्निंग के लिए गोवा के डोबिलम में INS हंसा पहुंचे, जहां इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में P-8I विमान को INS हंसा में कमीशन किया गया है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि आज की गतिशील और जटिल सुरक्षा स्थिति में इस स्क्वाड्रन की परिचालन क्षमता हमारे राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा संरक्षण और बढ़ावा देने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी बंद के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को देश के कई राज्यों में मिलाजुला असर देखने को मिला। ये बंद सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने बुलाई है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल समेत अनेक राज्यों में ट्रेड यूनियन के लोग सड़कों पर उतर विरोध करते देखे गए। साथ ही दुकानों को भी बंद रखा गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2016 में टॉपर रही टीना दाबी जल्द ही दूसरी शादी करने जा रही है। टीना दाबी 2013 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी 22 अप्रैल को जयपुर के एक होटल में होगी।
देश में गर्मी का सितम बढ़ने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। देशवासियों को मंगलवार को फिर ईंधन की बढ़ी कीमतों की मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे जबकि डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत में 85 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमतों में 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य अपने जहां जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकते हैं। जनसंख्या धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और उसको लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर इस बात की जानकारी दी है। इस मामले में अब सुनवाई 10 मई को होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है। उनके पुत्र राजवीर सिंह ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यह सम्मान ग्रहण किया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने देश को गौरवान्वित करने वाले 63 अन्य विभूतियों को भी पद्म सम्मान से अलंकृत किया। बिजली सेक्टर की स्थिति में पिछले 4-5 वर्षों में काफी सुधार के बावजूद तकनीकी या फिर चोरी की वजह से होने वाली हानि पर अंकुश नहीं लग रहा है। चोरी समेत अन्य वजहों से साल 2019-20 में कुल आपूर्ति की गई बिजली के करीब 21% की बिलिंग नहीं हो पाई है और देश को 1.22 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। संसदीय समिति ने सरकार को एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस पर काबू पाने के लिए अपनी कमर कसने को कहा है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोविड महामारी में माता पिता खोने वाले बच्चों की संपत्तियों पर देनदारियों का निवारण किया जाए और संपत्ति पर उनके अधिकार सुरक्षित किए जाएं। बाल आयोग ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान ही न्यायमित्र ने भी अपने दाखिल नोट में बाल आयोग की तरफ से उठाए गए इस मुद्दे को उद्धृत करते हुए कोर्ट से उचित आदेश देने की संस्तुति की थी। शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक नेशनल मेडिकल काउंसिल ने बड़ी घोषणा की है। काउंसिल ने कहा है कि फिलीपींस में विज्ञान में डिग्री भारत में बैचलर्स ऑफ मेडिसिन और बैचलर्स ऑफ सर्जरी के समकक्ष नहीं है। एनएमसी के अनुसार फिलीपींस में जीव विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे विषयों के साथ ही बीएससी प्री मेडिकल कोर्स है। ये भारत में कक्षा 11 और 12 कक्षा के विषयों के समान है। उत्तर प्रदेश की गोंड धुनिया नायक ओझा पठारी और राजगोंड जातियों के अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने का विधेयक लोकसभा में पेश हो गया है। लोकसभा ने ध्वनिमत से विधेयक पेश किए जाने की स्वीकृति दी। वहीं सदन में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को अलग अलग विधेयक लाने के बजाय पूरे देश में सभी राज्यों की मांगों को शामिल करते हुए एक विधेयक लाने की सलाह दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गोल्डन कुमार, पूजा कुमारी, मंतोष कुमार, नेहा सिंह, प्रेम सिंह, अंजलि राज, वर्षा झा, आरती कुमारी, राकेश कुमार, प्रियंका गुप्ता, अनवर करीम खान, धर्मदेव कुमार, जितेंद्र रविदास। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार के आईपीएल मुकाबले में आपको सबसे मजबूत टीम कौन सी नजर आ रही है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।